मजेदार फीलिंग थी मतलब मतलब मारुति वालों को इम्प्रेस कर दिया हमने टाटा ने से बहुत ऊपर बैठा हुआ तो ये आज अपनी टाटा सफारी मारुति सुजुकी वाले चला रहे हैं चल के अक्षु को देख लेते हैं अब उसको लेकर आना जरूरी है वरना वो लड़ लेगा आजकल वो कह रहा है कि गाड़ी से लेकर आना है पापा सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे तो आज का जो वीडियो है आज हम अभी जा रहे हैं मड़गांव तो मड़गांव जा रहे हैं नेक्सा नेक्सा जाना है एक तो पता करना है ग्रैंड विटारा का क्या चल रहा है अभी तक प्राइज ही नहीं दे रहे हैं और प्राइज पता नहीं कहाँ से निकाल के लेकर आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मारुति सुजुकी वालों ने ये तो हद ही कर दी अब फ्री में ही देंगे अब सितंबर एंड आने हो गया है और बोल रहे थे स्टार्टिंग सितंबर में प्राइस रहेंगे प्राइस तो दूर गाड़ी देखने तक को नहीं मिली मुझे तो जब आई गाड़ी देखने के लिए तो मैं उस टाइम दिल्ली में था दो दिन मैं, के लिए आई थी इनके पास हाँ और मैंने अभी तक गाड़ी देखी भी नहीं है कैसी है क्या है तो चल के एक बार पता कर लेते हैं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा साथ ही साथ टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर भी जाना है तो अपनी इसकी हल्क की सर्विस का पता करके आना है भाई क्या एस्टीमेट बैठेगा और कितनी है क्योंकि ये पहली सर्विस जो मैं कराऊंगा इसकी जो मेरे पास आने के बाद होगी तो सब कुछ चेंज कराना है मुझे मतलब सारे ऑयल चेंज कराने एक तो सारे ऑयल चेंज करा के जो भी मतलब छोटे मोटे काम है वो सारे करवा देने हैं इसीलिए मैं सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ पहली बार तो देखते हैं चलते हैं और अभी गाय आ गई रास्ते में तो अभी मुझे संभाल के चलानी पड़ेगी क्योंकि गायों का झुंड आ रहा है पूरा तगड़ा वाला तो चलो मड़गांव चल के मिलते हैं पहले तो जी अभी पहुंच गए हैं नेक्सा के शोरूम और ये देखो सफारी सबसे ऊपर ही दिख रही है ऊंची उधर से ना आ जाओ चलते हैं चल के देखते हैं भाई क्या स्टेटस है एक्सेल 6 खड़ी है सामने ही एक्सेल 6 भी काफ़ी ऊंची है हाँ, है ना अच्छी है अर्टिगा से अच्छी लगती है हाँ और इधर खड़ी है इग्निस बलेनो ये बलेनो का बेस मॉडल है तो अभी बात हुई है अपने जो यहाँ पे सेल्स पर्सन जो एडवाइज़र है हमारे बहुत ही मतलब नाइस बंदे हैं वैसे तो वो बोल रहे हैं कि शायद इस मंथ के एंड तक डेमो कार आ जाए और प्राइस भी आएगा जब भी प्राइस अभी नहीं पता उनको भी यहाँ पे गाड़ी आके 4 दिन रह के चली गई मगर मैं गया हुआ था उस टाइम अपने इसको लेने हल्क को तो हल्क को लेने दिल्ली चला गया था उसी टाइम पर अभी देखते हैं क्या लगता है उसका कैसी लगती है चला के डेमो आई गई तो फिर एक टेस्ट ड्राइव उसकी बनती है टेस्ट ड्राइव लेंगे देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन से मॉडल पे जाना हाँ तो ये आज अपनी टाटा सफारी मारुति सुजुकी वाले चला रहे हैं कैसा फील आ रहा है साहिल भाई आप बताओ बहुत बढ़िया फील आ रहा है बहुत तो ऊंचा बैठा दिख रहा है दूर तक का दिख रहा है हाँ दूर तक का दिख रहा है अच्छी फीलिंग है तो ग्रैंड विटारा का पता करने आए थे तो यहीं पे ग्रैंड विटारा से बहुत ऊपर बैठा हुआ था बहुत हाँ आपने बैठ के देख लिया मुझे नहीं मिला अभी वो अगर पता होता है तो मैं पोरवरी में गया था अभी संडे मैं देख के आता पर संडे क्या वो बंद रहते हैं शोरूम सारे ओके हाँ संडे को बंद ही रहेगा हाँ अभी हमारे पास 2 दिन के लिए आई थी इतने हम लोग लाइक ऑन द स्पॉट 14 बुकिंग्स लिया है अच्छा कस्टमर इतने आए थे देखने के लिए ओवरऑल मुझे लग रहा है 70,000 प्लस हो गई ना प्लस बुकिंग हो गई इंडिया के अंदर हाँ हमारे डीलरशिप में अराउंड 120 प्लस बुकिंग्स है अच्छा इधर है एक शोरूम में हमारा अभी कामपाल में और एक शोरूम है उधर हाँ। भी बुकिंग्स है अराउंड 60 प्लस अच्छा वी आर गोइंग ग्रेट विद द लॉन्च सिर्फ प्राइसिंग के लिए रुके हैं बस वही है होप कर रहे हैं अच्छी प्राइसिंग आएगी कस्टमर रुके भी है कि कौन सी वेरिएंट चूज करे अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत हाई तो नहीं जाना चाहिए बहुत हाई तो नहीं जाएगी हाँ। देखेंगे इन बिटवीन 20 लैक्स तो होना चाहिए हाँ। क्योंकि ई सीवीटी मॉडल जो है दोनों वो इलेक्ट्रिक वो
बिटवीन अगर 20 आएगी तो अच्छा फाइट रहेगा। हाँ फिर तो अभी जो भाई साहब अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो वो कह रहे हैं अगर आपका बेचने का मूड बने तो मुझे बता देना, जैसी विटारा आती है तो आप अगर इसको सेल करना चाह रहे हो तो मुझे बता देना। हाँ, कि विटारा ले लो, इसको मेरे को दे दो। हाँ, मतलब सफारी चलाने का एक अलग ही मजा है। हाँ, और उनको भी पसंद आ गई एकदम। हाँ, कि यार कह रहे हैं सब कुछ तो दिख रहा है दूर दूर तक। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था। जब तक हम हैचबैक में बैठे होते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये किस हाथी पे बैठ गए हम। मजेदार फीलिंग थी मतलब। एग्जैक्टली मतलब मारुति वालों को इम्प्रेस कर दिया हमने टाटा ने। तो अपनी सर्विस बुक करा ली है, अक्टूबर में मिल रही है यहाँ पे। मतलब बहुत रस है, ऑलमोस्ट सारे चीज़ें चेंज कराएंगे। तो सारी मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 12 से 15 हज़ार के आसपास इस्टीमेट बैठेगा सर्विस का, जो उन्होंने बताया मुझे एक लमसम। बाकी खुलवाएंगे तो तब पता चलेगा क्या है एक्चुअल में। और वैसे गाड़ी की हिस्ट्री भी चेक करा ली तो सब ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई मेजर कभी ऐसा कोई नहीं हुआ, पार्ट नहीं डला, कुछ नहीं डला। तो वो चीज़ भी चेक करा ली साथ के साथ आज यहाँ पे। तो ये हम खड़े हुए हैं जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। पूरे गोवा में बस एक यही वेरना इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, और इससे ज़्यादा कहीं नहीं है ना। नहीं, इससे बड़ा है भी नहीं है, यही है इंडस्ट्रियल एरिया, और कहीं है भी नहीं गोवा में। यही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको काफी मेडिसिन की कंपनियां मिलेंगी, गाड़ियों के ज्यादातर सर्विस सेंटर इधर मिलेंगे। थोड़ा ओपन एरिया है एकदम, देखो खुला खुला है, रोड भी काफी चौड़े हैं यहाँ पे। सामने फोर्स कमर्शियल व्हीकल है, वहाँ पे बसेस वगैरह जो आती हैं फोर्स की। और रेड लाइट पे खड़े होने के बाद सेकंड्स की कीमत पता चलती है। अदरवाइज सेकंड तो लाइफ में कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं। और यहाँ पे रेड लाइट ज्यादा मिलती भी नहीं ना। तो अब चलते हैं वापस घर, ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। चलो ग्रैंड विटारा का भी आइडिया लग गया कि अभी कब तक आएगी। चल के अक्षु को देख लेते हैं, अब उसको लेकर आना जरूरी है वरना वो लड़ लेगा। आजकल वो कह रहा है कि गाड़ी से ही लेकर आना है पापा, और गाड़ी से ही छोड़ कर आना है, जब तक मेरा मन नहीं भरता। तो मगर चल भाई ये भी करेंगे अब। तो आज का दिन रहा अपना पूरा मड़गांव में आके। अक्षु को भी आज पैदल आना पड़ा। क्यों भी अक्षु कैसा लगा पैदल आके स्कूल से? अरे मैं तो दोस्त के साथ स्कूटी पे बैठ गया था ना। हाँ, स्कूटी पे बैठ के आ गया ये, तो इसके दोस्त मिल गए, उनके पेरेंट्स ले आए। तो अब बस गाड़ी की सर्विस वगैरह करानी है, और सर्विस करा के फिर निकलना है। रेडी है बस, अक्षु के एग्जाम की डेट आ गई तो अब क्लियर हो गई है कब निकलना है कब नहीं निकलना। थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा बस, ज्यादा नहीं बस। हाँ, और होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको आज का। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।